شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون

चौबीस से दर्ज का आगाज़ हो रहा है तोबा में पहले मुश्किन मक् का ज़िक्र था और फिर गजवा हनैन का जिक्र भी आया फिर गजवा तबू के हालात बड़े तफ़ीली बयान हुए और ग़वा तबू के ज़िमन में मुनाफिकीन का किरदार वो भी बयान हुआ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई सूरत नाजिल होती अल्लाह की तरफ से वही आती तो मुनाफिक यूँ कहते अमजा दुहाद ही ईमाना किसका ईमान बढ़ गया इस वही की वजह से जिस तरह तंज होता है गोया एक तंज करते थे इस वही से किसका ईमान बढ़ गया जिस तरह हमारे माशरे में बाज लोग कहते हैं तेरी नमाज से क्या फ़र्क पड़ गया तेरे कारोबार में तेरी नमाज से क्या फ़र्क पड़ा अल्लाह फरमाते हैं कि जो ईमान वाले होते हैं उनका ईमान बढ़ता है ना किसी और का थोड़ी बढ़ेगा ईमान वाला का ईमान बढ़ेगा और ऐसे ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है हम क़ुरान करीम पढ़ें उसके बाद अपने दिली कैफियत देखें ईमान मज़बूत नज़र आता है कुरान करीम ना पढ़ें दिल मुरझाया मुरझाया सा मुर्दा मुर्दा सा लगता है फिर यहाँ ये मसला भी समझ लीजिए अहनाफ़ के यहाँ नफ़ ईमान जो होता है ना उसमें कमी बेशी नहीं होती कि ईमान इतना बढ़ गया इतना कम हो गया नहीं ईमान तो वही रहता है उस ईमान में ताकत ज़्यादा आ जाती है उस ईमान की वजह से अमाल में नौरानियत आ जाती है मिठास आ जाती है उस ईमान की वजह से नेक अमल करने पर शौक़ और जोक पैदा हो जाता है तो ये मतलब है उसके ईमान के बढ़ने का सब इकराम ने नबी पाक अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अलैहि वसल्लम आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारी ईमानी कैफियत और होती है जब घरों में जाते हैं तो ईमानी कैफियत वो नहीं रहती मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है तो नबी आसमाम ने फरमाया ये तो होगा नबी की सोहबत की वजह से ईमान की कैफियत और होती है जितना नबी से दूर जाएंगे ईमानी कैफियत और होगी फिर आपने फ़रमाया कि जो ईमानी कैफियत मेरी मजलिस में बैठकर तुम्हारी होती है अगर यही ईमानी कैफियत तुम्हारी घरों में भी हो तो फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा करें इसे एक अजीब नुकता समझ आया जितना नबी से करीब होंगे उतनी ईमानी कैफियत मज़बूत होगी जितना दूर होंगे उतनी ईमानी कैफियत कमज़ोर होगी तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर लो तो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी जौ खर्च करने के बराबर नहीं पहुंच सकते क्यों नबी के सबसे ज़्यादा करीब साहब रसूल रहे हैं और साहब रसूल के ईमान के बराबर कौन पहुंच सकता है जो जो हम दूर होते जा रहे हैं आपके ज़माने से ईमानी कैफियत कमज़ोर होती जा रही है दीनी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जितना नबी के करीब जाएंगे उतना दीनी तरक्की हासिल होगी दालम देबंद के करीब एक तंदूर वाला था रोटी लगाने वाला उसका अजीब दस्तूर था कोई कहता है रोटी दे दो कहता है आज की ताज़ी लेनी है कल की बासी लेनी है कोई कहता है ताज़ी कितने की और बासी कितने की तो ताज़ी सस्ती बताता बासी महंगी बताता वो हैरान हो गए उनका आप भी अजीब लोग हो ताज़ी महंगी होनी चाहिए आप बासी महंगी दे रहे हो कहा तुम्हें क्या पता बासी रोटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ज़्यादा करीब है एक दिन का फ़र्क है ताज़ी रोटी में मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि ताज़ी रोटी को सौ दिन हो गए नबी से दूर और कल की बासी रोटी को नबी से दूर निन्यानवे दिन हुए तो नबी के करीब कौन सी हुई बासी रोटी इस महंगी देता था जितना नबी की ज़िंदगी के करीब चलते चले जाएंगे, उतनी ईमानी कैफ़ियत बढ़ती चली जाएगी लेकिन मुनाफिकीन को ये चीज़ें समझ नहीं आती ये चीज़ें आशिकों को समझ आती हैं जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत हो नबी के इश्क हो उन्हें ये बातें समझ आती है। अल्ला हैं अल्लाह फरमाते ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है और जो मुनाफिक होते हैं फ़जात तुम रिज सन अला रिज मुनाफ़त की गंदगी तो पहले है अब जब वही उतरी इन्होंने मानी नहीं तो अब और मुनाफ़त बढ़ गई और गंदगी बढ़ गई तो हर वही के उतरने पर मोमिन का ईमान बढ़ता है मुनाफ़त की गंदगी बढ़ती है वमातु वहम अहम का और ये इसी हाल में मर जाएंगे कि कुफ कुफ़ काफिर होंगे ये कुफर में मरेंगे अवलाफ्तन क्या ये देखते नहीं मुनाफिक कि हर साल इनको एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा आज़माया जाता है यानी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ये परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें अगर बात माने तो मरते हैं ना माने तो मुनाफ्त खुलती है इनको पता नहीं अल्लाह हर साल दो तीन मरतबा आज़मा लेता है इनको फिर भी ये तोबा नहीं करते सुम अला यूबोन वला हम यदक्र नसीहत भी नहीं पकड़ते तोबा भी नहीं करते फिर बाज़ मुनाफिकीन की हालत ये है कि वा माउुन जिला सूरत जब वही उतरती है तो क्योंकि अंदर से डर होता है ना कि कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए तो नजर अबाजम अला अब इधर वही उतर रही है उधर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा किसी मुसलमान की नज़र मुझ पर तो नहीं हल मिन आदिन तुम में से कोई देख रहा है सुम मन सौराफो नज़र बचा के निकल जाते हैं कि कहीं हमारे बारे में वही ना उतर जाए तो नज़र बचा के निकल जाते हैं इस पर वो ख़ुशी का इजहार करते हैं कि देखो हम कैसे बच के बाहर निकल आए अल्लाह कहता तुम नहीं निकले सरफ़ अल्लाह खलूबहम अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ही फेर दिया इस काबिल ही तुम्हारे दिलों को नहीं समझा के नबी की मजलिस में बैठ सको तुम क्योंकि तुम्हें दीन की समझ नहीं है लाइफ कहू फ़ा है नहीं तुम्हारे पास तुम्हें दीन का तफक् नहीं है समझ ही नहीं है बंदा समझता है कि मैं कामयाब हो गया नबी की मजलिस से उठ गया ये तेरी कामयाबी नहीं ये तेरी नाकामी है कि रब ने तुझे उठा दिया निकल जा ये पाक लोगों की मजलिस है यहां तू नहीं बैठ सकता अल्लाह ने सूर तोबा की आखिरी दो आयतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई आपकी आदत फमाया लकद जा अकुम रसूल तुम्हारे पास मेरा रसूल आया मिन अन फूसिकुम वो तुम ही में से हैं रसूल आए हैं तुम ही में से हैं तुम फरिश्ते हो अगर तुम फरिश्ते हो तो नबी को भी फरिश्ता कह लो अगर तुम नूरी मखलूक हो तो नबी को भी नूरी मखलूक कह लो जब तुम इंसान हो तो तुम में से पैदा होने वाला रसूल भी इंसान है तुम बशर हो तो तुम में से पैदा होने वाला नबी भी बशर है मीनफुसे कम तुम में से जिन्स के लिहाज से बशर इंसान लेकिन मर्तबे के लिहाज से तुम इंसान तो क्या सारी नूरी मखलूक भी मेरे महबूब के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं मर्तबा और चीज़ है जिन्स और चीज़ है बाप भी इंसान है औलाद भी इंसान है दोनों फर्क नहीं होगा क्या औलाद बाप के बराबर हो सकती है लेकिन क्या इंसान नहीं मानेंगे उसको इसी तरह नबी बशर हैं इंसान हैं लेकिन मर्तबे के लिहाज से सारी इंसानियत भी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकती फिर अल्लाह फरमाते हैं कि आजीजुल आलही मा आनी तुम मुसलमानों तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो तकलीफ़ तुम्हें नहीं नबी को भी पहुँचती है यानी तुम्हारे साथ इतना ताल्लुक़ है नबी का कि तुम्हारी तकलीफ़ नबी की तकलीफ़ होती है नबी नहीं चाहते कि मेरा कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ़ पहुँचे हरेकुम वो बहुत तमन्ना रखते हैं ख्वाहिश रखते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम्हें ईमान मिले तुम्हें राहत मिले तुम्हें जन्नत मिले गुमराही से बच जाओ जहन्नम से बच जाओ बिल रऊफ़ और रहीम मोमिनों के साथ रऊफ़ भी हैं रहीम भी हैं मेहरबान भी हैं और शफीक भी हैं नरम दिल भी हैं रऊफ़ और रहीम अल्लाह के नाम है लेकिन हमारे नबी के नाम भी हैं अब फिर बात वहीं आ गई जब हम कहते हैं कि हर नबी अपनी कबर में जिंदा है तो बाज लोग कहते हैं अल्लाह जिंदा है अल्हाई अल्लाह जिंदा है और इधर तुम नबी को भी जिंदा मानते हो ये तो शिरक हो गया भाई अल्लाह भी राउफ है ये हमारा जवाब है ना अल्लाह भी रऊफ है नबी भी रऊफ है शिरक नहीं हुआ अल्लाह जिंदा है नबी को जिंदा मानो तो शिरक अल्लाह रऊफ है नबी को रऊफ़ मानो कहो ना शिरक है अल्लाह को रहीम मानो नबी को रहीम मानो कहो ना शिरक है ये तो कुरान में है अब नहीं कहेंगे शिरक भाई क्यों अल्लाह रऊफ है उसकी अपनी शान है नबी रऊफ है उसके बराबर नहीं है उसकी अपनी एक शान है अल्लाह भी मेहरबान है उसकी मेहरबानी बे इंतहा है नबी भी मेहरबान है लेकिन नबी की मेहरबानी की इंतहा है इसलिए शिरक नहीं तो हम कहते हैं अल्लाह भी जिंदा है नबी भी जिंदा है अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है हमेशा ज़िंदा रहेगा एक सेकंड के लिए भी रब पर मौत नहीं है नबी हमेशा से ज़िंदा नहीं जब रब ने जिंदा किया तो ज़िंदा हुए जब रब ने मौत भेजी तो मौत आ गई फिर जब कबर में दफनाया गया रब ने फिर ज़िंदा कर दिया तो अल्लाह और नबी की ज़िंदगी बराबर कैसे हो गई अगर बराबर होती तो शिरक होता ना लेकिन क्या करें जब कोई इंसान गुस्ताखी करता है ना अल्लाह फिर हिदायत छीन लेता है नबी की मोहब्बत दिल में नहीं होती फिर उसे समझ भी कुछ नहीं आता फिर उसे समझ नहीं आता दिल में मोहब्बत होगी नबी से तो फिर बड़े बड़े राज खुल जाएंगे हमारे बुजुर्गों में शेख उलारबी वलाजम, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सत्रह साल रोज़े रसूल में बैठ के दर से हदीस दिया सत्रह साल हदीस पढ़ाई आप बार बार कहते थे अल्लाह के नबी जिंदा हैं अल्लाह के नबी जिंदा है और सब पढ़ाते हुए दफ़ा कहते काल रसूल काल नबील तो किसी शागिद ने कह दिया अकीदा हमारा यही है नबी जिंदा है अकीदा यही है लेकिन फिर भी सोचते हैं कैसे जिंदा है आप जुल्फे रखते थे आपने जुल्फों को हरकत दी देखना है नबी को जिंदा वो देखो सारी क्लास ने देखा अल्लाह के नबी रोजे से बाहर बैठे मुस्कुरा रहे हैं ये करामत है ना ये करामत है हो सकता है ऐसा तो हज़रत हुसैन मदरी रहम्ल ने करामत के ज़रिए दिखा दिया देखो नबी जिंदा है कबर में तुम्हें नज़र आ रहे हैं अब जो ना करामत माने न नबी की हयात माने नबी को अपने जैसा कहे तो उसे क्या समझ आएगी ये बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई मेरी कबर पर आके दरूद पड़ेगा मैं खुद सुनूंगा मैं खुद सुनूंगा और कहीं और से पढ़ोगे तो फरिश्ते मुझे पहुंचाएंगे अब यहां पे द्रूद पाक पढ़ते हैं हर मुसलमान पढ़ता है ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान और द्रुद पाक ना पढ़े हाँ ये हो सकता है कि गाता ना हो बाज लोग द्रूद के गाने को समझते हैं कि पढ़ रहा है अगर वो गाए ना तो कहते हैं दरूद का मुनकर करे पढ़ता ही नहीं जिंदगी में एक बार दुरूद पाक का पढ़ना फर्ज है जिंदगी में एक बार फर्ज एक मजलिस में बैठकर एक बार पढ़ना वाजिब और हम आगाज में पढ़ लेते हैं ना दुरूद पाक वाजिब अदा हो गया अब हर दफा नबी के नाम पर दुरूद पाक का पढ़ना यह मुस्तहब है अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् ने फरमाया जो एक मरतबा मुझ पे दरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर दस रहमतें नाजिल करेगा दस गुना माफ़ करेगा दस दर्जे बुलंद करेगा और यह वाद इबादत है जिसके लिए कोई शर्त नहीं है नमाज के लिए शर्त है ना पाक होना चाहिए जिसम भी पाक हो लिबास भी पाक हो नमाज का वक्त भी हो लेकिन द्रूद पाक के लिए कोई शर्त नहीं 24 घंटे में से जब चाहो पढ़ो कोई मकरू वक्त नहीं हती के अगर नापाक हो तब भी पढ़ सकते हो द्रूद पाक तो एक अलग बात है कि इंसान का जोक होता है कि मैं इस वक्त नापाक हूँ मैं नहीं चाहता कि नापाक ज़ुबान से अपने पाक नबी का नाम लूँ वो जोक है लेकिन शरी मसला ये कि पढ़ सकते हैं लोग वजीफे पूछते हैं बड़े लोगों से वजीफे पूछते हैं फला मसला है वजीफा बताएं फला मसला है वजीफा मेरा मिजाज अलहमदिल्ला और इस पर मेरा सौ फीसद यकीन है मुझे जब भी कोई पूछता है मैं कहता हूँ द्रूद पाक पढ़ो इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं है जितना ज्यादा द्रूद पाक पढ़ोगे उतना नबी का कुर्ब नसीब होगा जितना नबी के करीब होते चले जाओगे परेशानियां दूर होती चली जाएंगी लेकिन पढ़े कौन फतवेबाजी है एक दूसरे पर कहेंगे वो नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ता और भाई तू अपनी बात कर तू पढ़ता कि नहीं पढ़ता अपनी बात कर एक सभी ने कहा अलैहि सल्लाम मैं जो दुआ मांगता हूं ना उसमें से मैं थोड़ी देर दरूद पाक पढ़ता हूं बाकी दुआ मांगता हूं आप आखिर ये दरूद बढ़ा दो उनका यारसोल्ला एक चौथाई हिस्सा मैं और बढ़ा दो यारसोल्ला आधा वक्त दरूद पढ़ूँ आधा वक़्त दुआ मांगू पर मैं और बढ़ा दो उनके यारसोल्ला तीन हिस्से दरूद पढ़ूँ एक हिस्सा दुआ मांगूँ मैं और बढ़ा दो और साहब रसूल कहते हैं यारसुल्ला अब मैं दुआ नहीं मांगूंगा दुरूद ही पढ़ा करूंगा दुआ भी तो रहमत की मांगते हैं ना अल्लाह अल्लाहम कर दे राममत कर दे अपना फ़ल कर दे तो जब हम कहेंगे अल्ला मोहम्मद अल्लाह अपने महबूब नबी मोहम्मद वसलम पर राहमतें उतार दे हम नबी के लिए रहामत मांग रहे हैं और नबी कहते तुम एक मरतबा मांगोगे अल्लाह तुम पर दस रहामतें नाजिल करेगा दुरुदे पाक की कसरत करो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहो हर वक्त और ये जहन से निकाल दो कि फलान द्रूद नहीं पढ़ता मुसलमान ही कैसा जो द्रूद ना पढ़े द्रुद पाक पढ़े बगैर नमाज हो जाती है हर नमाज की आखिरी रकात में द्रुद पाक नहीं पढ़ते फिर आप किसी को कह कि फलाना मुसलमान द्रूद नहीं पढ़ता यार अजीब लोग हो वो नमाज पढ़ रहा है नमाज में द्रूदे पाक पढ़ रहा है फिर आपको वो मुनकर द्रूद नहीं पढ़ता आदमी कहते जाहिल आदमी है मौना अमीन वड़वी र्ल पर किसी ने ऐसे फतवा ठोक दिया कि दरूद नहीं पड़ता स्कूल टीचर थे प्रिंसिपल ने बुला लिया मौला आपके बारे में कहता है दरूद नहीं पढ़ते फरमायासल महम्मद महम्मद जोशी सुना दिया मैंने पढ़ लिया उनका अब बता कहते नहीं असल में खड़े हो के नहीं पढ़ते अल काड़वी फरमाया कि जब हम जनाजे पढ़ते हैं तो खड़े होके पढ़ते हैं ना हम दरूद पाक पढ़ते हैं पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं दूसरी बात रुदे पाक पढ़ते हैं खड़े होके पढ़ते हैं नमाज में हम बैठ के पढ़ते हैं और भई जहाँ जैसा हुक्म है वैसा करना है ना नमाज़ में बैठ के दुरे पाक पढ़ो जनाजे में खड़े होके के पाक पढ़ो नबी के रोज़े पे हाज़िरी हो तो खड़े होके हाजरी हाज़िरी दो सलात सलाम पढ़ो यहां पढ़ो नज़रिया ये रखो कि फ़रिश्ते नबी तक पहुंचाएंगे और मेरा नाम मेरे बाप का नाम लेकर बताएंगे कि यारसुल्ला आपका फलाँ उम्मती उसके बाप का नाम ये है फलां इलाके में रहता है उसने आप पर द्रूद भेजा है और वहां जाके जब पढ़ेंगे तो ये अकीदा होना चाहिए कि अब फरिश्ते बीच में से हट गए अब बराह रास्त अल्लाह का रसूल मेरा सलाम सुन रहा है मेरा दरूद पाक सुन रहे हैं बराह रास्त नबी मौजूद है वहां अगर यहाँ इस नीयत से पढ़ा जाए कि फरिश्ते पहुँचा रहे हैं फिर आप कहें सलाम्क या रसूल अल्लाह, इस नजरिए से कि फरिश्ते पहुंचाएंगे जायज़ है लेकिन अगर ये नज़रिया हो कि नबी यहाँ मौजूद है खुद सुन रहे हैं अब यह जायज़ नहीं है लेकिन रोजे रसूल पर जाकर अब वहां के बंदा कह के, के मैं पढ़ूंगा अदरूदेब रही अल्लाह मसल मोहम्मद तेरी हाज़री नहीं लगी क्यों यहां नबी सामने मौजूद है तो हाजिर लगवानी है तो क्या है असला तो का या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल मैं आप पर सलाम भेज रहा हूं इमाम मालिक र्ह का एक अजीब वाकया है फरमाते हैं जब कोई रोजे रसूल पे हाजिर होता है और फिर वहां से वापसी पे कहता है जुर्त क़ब्र नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैं इस जुमले को मकरू समझता हूँ नापसंद खबरदार ये ना कहो मैं नबी के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं मैं नबी के कब्र की ज्यारत करके आ रहा हूं खबरदार ये ना कहो किसी का जी फिर क्या कहें फरमाया अकीदा कमजोर है तुम्हारा क्या तुम जब रोज़े पे हाजिर हुए हो तो तुमने नबी की ज्यारत की है लिहाजा तुम कहो जुर् तु नबी या मैं नबी की ज्यारत करके आ रहा हूँ मैं नबी की ज्यारत करके आ रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मंजार कबरी बाद फाजार नहीं फ़ि हयाती मेरे इंतकाल के बाद जिसने मेरी कबर की ज्यारत की वो ऐसे है गोया उसने जिंदगी में मेरी ज्यारत की है तो द्रुद पाक की कसरत करो खूब पढ़ो इस नीयत से कि फ़रिश्ते पहुंचाते हैं और रोज़ा रसूल पे पहुंच के इस नीयत से कि अल्लाह के नबी खुद सुन रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं अगर ये लोग नबी की बात नहीं मानते तो नबी से फ़रमाया कि घबरा रहे नहीं आप यूँ कह दे हंस भी अल्लाह मेरा अल्लाह में लिए काफ़ी है तुम्हारी मुझे परवाह नहीं मेरा अल्लाह में लिए काफ़ी है ला अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं अल ही तो तो मैं उसी पर भरोसा करता हूँ वह रबुलरशीम अरश आजीम का वो रब है मालिक वो है अरश का मालिक भी वो है आसमानों का मालिक भी वो है ज़मीन का मालिक भी वो है सारी कायनात का मालिक वो है और यही अल्लाह ने समझाया है कि ज़मीन बना ली आसमान बना लिए कायनत बना ली सुम मस्तवा अर्श की तरफ मुतव हो के अर्श भी अल्लाह ने बनाया और लोगों को मुगलता लग जाता है वो कहते हैं ज़मीन व आसमान बनाकर अर्श पे जाके बैठ गया भाई रब खालिक है वो रब है ज़मीनों को बनाने वाला आसमानों को बनाने वाला वो अल्लाह अर्श को बनाने वाला भी वो अल्लाह है जिस तरह ज़मीनों पर आसमानों पर हकूमत रब की है इसी तरह अर्श पे भी हुकूमत रब की है और मेराज के सफर में नबी पाक अलैहि वसल्लम को अर्श तक क्यों बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि अल्लाह वहां रहता है अल्लाह तो हर जगह मौजूद है फिर वहां क्यों बुलाया दुनिया वालों को पैगाम देने के लिए कि जमीन से लेकर ऊपर चलते जाओ चलते जाओ सारी मखलूक में आखिरी मखलूक मेरा अर्श है मैं अपने महबूब को अर्श पे बुला के तुम्हें बताना चाहता हूं कि सारी मखलूक पर नबूवत मेरे महबूब की होगी जिस तरह मेरी रबूबियत की इंतहा अर्श है इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत की इंतहा भी अर्श है वो तो इसलिए बुलाया है हदीस बाग में है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स सुबह को या शाम को ये आखिरी दो आयतें सात मरतबा पढ़ ले सात मरतबा सुबह पढ़ ले सात मरतबा शाम को पढ़ ले अल्लाह ताला उसके सारे कामों को आसान फरमा देंगे सारी मुश्किल दूर होती चली जाएंगी इन दो आयतों को याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन आयतों की सुबह भी तिलावत हो शाम को भी तिलावत हो अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ नसीब फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहमदिल्ल हबलमी वीबालम्ती वसलात वसलम अला अंबिया वल सदम्बिया इबालमरसलिन वली वबी अजमाइन ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा ऐ अल्लाह दरस कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल रिज्क नसीब फरमा हराम के लुमे से हमारी हिफ़ाजत फरमा अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सब की मफ़िरत फरमा दे सब को फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे अल्लाह हम सब को क़यामत के दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा जन्नत में आपकी रफाक़त नसीब फरमा आपके के मुबारक से हौजे कोसर का पानी पीना नसीब फरमा अः ला जैसे आज हम आपके घर में आपके क़ुरान के नाम पर इकट्ठे हैं अल्लाह हम सब को जन्नत में भी इकट्ठा फ़रमा दे अल्लाह महज अपने व करम से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा अल करीम या अरहमर अरहमलर